बताइए मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बोलने देखने के बाद मेरे को यही फील आ रहा है यार, मैं भी कहीं निकम्मा नहीं हो जाऊँ, रियली बता रहा हूँ। टोटली पैसा वेस्ट मूवी है ये, मतलब कि ऐसे ऐसी मूवी पैसा वेस्ट होगा तो यार क्या होगा लाइफ में, मज़ा नहीं आया। MCA का रीमेक है ये मूवी, नेचुरल स्टार नानी, इनके अंदर तो नानी का एक झलक भी नहीं दिखा, रियली बता रहा हूँ। मतलब बंदे ने मेहनत किया, ऐसा नहीं बोल रहा मैं ट्रोल कर रहा हूँ इनको, बंदे ने मेहनत किया है लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा कर नहीं पाया वो। 14 साल के बाद शिल्पा शेट्टी का कमबैक, जी हाँ, वैसे 14 साल के बाद उनका एक मूवी आई थी हंगामा 2 जो कि OTT पर आई थी, लेकिन बड़े स्क्रीन के लिए उनका कमबैक ही है, तो उनका काम ठीक है, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, जैसे पिछले फिल्मों में वो करती है ना सेम टू सेम किया। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मूवी का वो सबसे फर्स्ट नंबर की रीमेक है, और पब्लिक को आजकल रीमेक पसंद नहीं आ रही है, सबको पता है रीमेक के नाम पे पब्लिक देखो क्या आ रही है। म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक ठीक है, निकम्मा सॉन्ग अच्छी है, वो भी फर्स्ट में डालने के लिए सही रहता, अगर फर्स्ट में डालते जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है आप डालो उस वक्त तो पब्लिक को देखने में मज़ा भी आता है, लेकिन यार आप एंड में डाल रहे हो जब पब्लिक जब बाहर आ जाती है सारी, तो मज़ा नहीं आया वो सॉन्ग में भी। और अभिमन्यु दसानी का काम कैसा? सुपर्ब है उनका, कभी कभी बीच बीच में यार ओवर एक्टिंग कर रहा है यार बंदा, वो सलमान खान का स्टाइल कर रहा है, फिर वरुण धवन बन जा रहे हैं क्या यार, उन्होंने ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ, उनका काम उनका मेहनत देख रहा मूवी में, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा परफॉर्मेंस दे नहीं पाए वो। ओके हॉट सेक्सी दिख रही थी उनका भी काम, मेरे को तो लग रहा है कि उनको देख के मेरा पैसा थोड़ा सा वसूल हुआ, रियली बता रहा हूँ, उनका उनको देख के ही पैसा वसूल हुआ। चलो हम बैक कर रही है, वो डेब्यू मूवी है, अच्छी अच्छी फिल्में आए कामयाब बने और क्या। डायरेक्शन की बात की जाए तो साबिर खान का जो डायरेक्शन हीरोपंती में था, उसके बाद बागी 2 में था, वो डायरेक्शन नहीं दिख पाया। देखो अभी हीरोपंती उनका रीमेक ही था, लेकिन किस लेवल का उन्होंने डायरेक्शन किया था ये भी कर सकते थे, लेकिन क्या मालूम कैसा डायरेक्शन था, मज़ा नहीं आया, मैंने हीरो शूट नहीं हो रहा इसमें। 5 out of 10 मैं 2.5 दूंगा। मुझे एवरेज लगी, और अच्छी हो सकती थी। फर्स्ट हाफ जब देखा तो बहुत कॉमेडी थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ आते आते काफ़ी मतलब फिजल आउट हो गई, मतलब एक्शन ही एक्शन था, कॉमेडी कम हो गई और कहीं ना कहीं ट्रैक ऑफ ट्रैक चला गया जो प्लॉट था। 14 years के बाद शिल्पा शेट्टी सिल्वर स्क्रीन पे वापस आ रही हैं, तो कैसा लगा उनका? बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही स्टनिंग, बहुत ही ग्रेसफुल, एलिगेंट लगी हैं। हालांकि उनकी जैसी पोटेंशियल की एक्ट्रेस से और अच्छा रोल करवाया जा सकता था, तो उनका कुछ रोल ऐसा है नहीं जिसमें वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाए, तो उस तरह से मुझे लगा कि यू नो उनसे और अच्छा मतलब उनका किरदार हो सकता था। साबिर खान का डायरेक्शन कैसा लगा? साबिर खान का हमने बागी उन्होंने डायरेक्ट की थी, और इससे पहले हीरोपंती, कमबख्त इश्क, और ये मूवी से भी मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया था, पर जितना मतलब मुझे एक रीज़न अगर ये मूवी देखने का लगा वो है अभिमन्यु दसानी, मतलब वो इतने टैलेंटेड हैं, एक्शन सीन्स हो या डांस हो या एक्टिंग भी अच्छी खासी कर लेते, बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, तो मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। अभिमन्यु दसानी और शर्ली सेठिया की केमिस्ट्री कैसी लगी? केमिस्ट्री अच्छी है, और शर्ली सेठिया भी वो सिंगर भी हैं, तो वो दोनों की केमिस्ट्री अच्छी, वो बहुत कॉन्फिडेंट लगी शर्ली, और केमिस्ट्री भी अच्छी है, रोमांटिक सीन्स बहुत अच्छे, वही पहला हाफ बहुत अच्छा लगा मैं उनका रोमांस दिखाया, लेकिन सेकेंड हाफ में जो अभिमन्यु सिंह जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो आ जाते हैं, और प्लॉट मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि ऑफ ट्रैक चला गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आता सेकेंड हाफ मतलब क्यों हो रहा है, अगर रोमांस ही रखते तो अच्छा था, मतलब वो वॉयलेंस वगैरह लाए, हालांकि वॉयलेंस सीन्स भी एक्शन सीन्स बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब किए हैं अभिमन्यु ने, अभिमन्यु फुल पैकेज है, मतलब वो ही हैज़ अ वेरी गुड फिजिक, एक्शन सीन्स अच्छे करते हैं, रोमांस में अच्छे हैं, तो इज़ अ कम्प्लीट पैकेज आई थिंक, इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। ओवरऑल कितना स्टार देंगे? मैं मूवी को दूंगा 2.5 से 3 तक दे सकते हैं बिकॉज ऑफ, बट अभिमन्यु दसानी को आई विल गिव 4.5 तक। थैंक यू। मूवी अच्छी लगी भाई? सर जी मूवी कैसी लगी आपको ओवरऑल? यार मूवी तो क्वाइट एंटरटेनिंग है, काफ़ी मज़ा आया, एंड आई थिंक शर्ली सेठिया की डेब्यू पिक्चर है तो बहुत ही क्यूट थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, एंड शिल्पा शेट्टी इज़ एवरग्रीन यार, आई मीन आई वॉज रियली हैप्पी विद द मूवी इन जनरल, बहुत काफ़ी एंटरटेनिंग थी। ओवरऑल कितने स्टार देंगे? ओवरऑल आई थिंक 3 or 3.5 के बीच में तो डेफिनेटली बनता है यार इस पिक्चर का। शर्ली सेठिया और अभिमन्यु दसानी की केमिस्ट्री कैसी लगी? बहुत अच्छी, आई मीन इट फेल्ट लाइक एक्चुअल कपल वाला फील आ रहा था उनके साथ, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। फैंटास्टिक एक्शन हीरो, उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे डेफिनेटली। उनकी एक्टिंग को या पिक्चर को? पिक्चर को, एक्टिंग को दोनों। पिक्चर को डेफिनेटली 3.5 स्टार्स, और उनकी एक्टिंग को भी डेफिनेटली 3.5 स्टार्स, तो कन्फर्म। थैंक यू सो मच। ओवरऑल डायरेक्शन वाइज अच्छी लगी, एक्टिंग में शर्ली को पहली बार थिएटर में देखा अच्छा लगा, एंड एक्शन सीक्वेंस भी बहुत अच्छा था,
तो अच्छा लगा एंड सॉन्ग्स भी अच्छे थे, लाइक टाइटल सॉन्ग अच्छा था। शिल्पा शेट्टी 14 इयर्स बैक जो है कमबैक कर रही है, बहुत टाइम बाद देखा उनको थिएटर में, अच्छा लगा बड़े पर्दे पे देखने के। और उसके साथ साथ शेरली का भी आई गेस पहला डेब्यू मूवी था ये एज अ एक्टर, वो भी अच्छा लगा। शी इज अ गुड सिंगर बट एक्टिंग में भी इट्स नाइस, या गुड टू वॉच। अच्छी थी, या इट वॉज गुड, पर मेरे को उससे ज्यादा उनका फाइटिंग सीक्वेंस एंड एवरीथिंग वॉज वेरी एंटरटेनिंग। या म्यूजिक कैसी है फिल्म की? टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ओवरऑल कितने स्टार देंगे सर? ओवरऑल 3.5। अरे सुपर्ब, निकम्मा क्या इस दिल ने, लाइक उसका सॉन्ग इतना सेक्सी है और हमारे सारे एक्टर्स शिल्पा मैम, शिल्ले शेट्टी और अभिषेक सो। अभिषेक और शर्ली शेट्टी की केमिस्ट्री कैसी लगी? सेक्सी, वो क्यूट क्यूट वाला होता है ना, क्यूट एंड प्रिटी काइंड ऑफ वाला, वो अच्छा था, काफ़ी अच्छा। इनका इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी। यस, हाँ, सो ऑफकोर्स आई एम वेटिंग। एक्चुअली मैं उनकी डांस की और एक्टिंग की फैन नहीं हूँ, बट या मुझे वो अच्छी लगती है, स्क्रीन पे उनको देखना अच्छा लगता है, सो यस आई लव। एंड साबिर खान का डायरेक्शन कैसा लगा? वो तो अच्छा है, वो सीरियसली अच्छा है, काफ़ी सारे सीन्स हैं जो बहुत बहुत अच्छे हैं, सो यस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज सुपर कूल। कितने स्टार? 4 और 4.5। या मूवी बहुत अच्छी लगी सर। किसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? काम तो अपने जो हीरो है, अपना भाई का नाम क्या है, नाम वो अपने मैंने प्यार किया मूवी की। नहीं नहीं भाई बहुत, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छा जबरदस्त बना है, स्टोरी बहुत अच्छा लगा उनका। हाँ, और शिल्पा शेट्टी का काम कैसा लगा था आपको? मैडम का भी बहुत अच्छा काम है, उनका तो बचपन से फैन हूँ मैं मैडम का। एंड ओवरऑल कितने स्टार देंगे फिल्म को? मेरे हिसाब से तो 5 स्टार खोला दूंगा। इसमें सर सो गुड एक्चुअली, बट ये एक मूवी है अपना मिडिल क्लास अब्बाई करके तेलुगु में, उसका रीमेक है। हमारे देवस रे का ये भी बंदा बहुत अच्छा एक्टिंग है, और इनका जो भाभी का रोल किया शिल्पा शेट्टी, दे आल्सो रियली गुड। अभिमन्यु दसानी की बात की जाए तो कैसा? वो भी अच्छा किया, लाइक 3 स्टार, दे आल्सो गुड, अच्छा किया। शर्ली सेठिया और इनकी केमिस्ट्री कैसी लगी अभिमन्यु दसानी? ये इनकी नई स्टोरी अच्छी लगी, नई केमिस्ट्री अच्छी लगी, लेट्स सी और भी आएगी। इनका एक सुंदरम करके वेब सीरीज भी आया है नेटफ्लिक्स पर, दे आल्सो रियली गुड, ये भी बहुत अच्छा है, लेट्स सी देखते हैं और भी पिक्चर आए और भी ऐसा लगे। 3 स्टार, दैट्स गुड, मेरे फीलिंग्स 3 स्टार, थैंक यू। ओवरऑल मूवी कैसी लगी सर आपको? ओवरऑल मूवी बहुत बेस्ट लगी मुझे, और वन टाइम नहीं कह सकते, सेकंड टाइम भी आप देख सकते हैं, मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पंचेस हैं, कॉमेडी है, तो आप बोर नहीं होंगे। मतलब जैसे माइंड सेट लग रहा था कि स्टार्टिंग में यार नए बंदे की मूवी है, मज़ा आएगा नहीं आएगा, लेकिन मूवी में मज़ा आया, सेकेंड टाइम देख सकते हैं। शिल्पा शेट्टी 14 साल के बाद कमबैक कर रही हैं सर, वो सिल्वर स्क्रीन पे कैसी लगी? बहुत ऑसम, बहुत ऑसम, उनकी स्माइल, उनकी एक्टिंग ऑसम एकदम। सर अभिमन्यु दसानी और शर्ली सेठिया की उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, कुछ जगह था कि डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीक था, बाकी उनकी एक्टिंग अच्छी थी। साबिर खान का डायरेक्शन, मतलब एक्शन तो हम जानते हैं कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट करते हैं, नहीं एक्शन अच्छे थे, डायरेक्शन में कुछ चीज़ें हजम नहीं हो रही थी, लगता था कि यार नॉर्मल ऐसा नहीं है, बट अच्छा था ओवरऑल। और म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक कैसा लगता? म्यूज़िक अच्छा था, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन कि जो आपको माइंड में सेट हो जाए कि आप गुनगुनाते चले जाएं। ओवरऑल कितना स्टार देंगे सर? 5 में से 3। ओके, पिक्चर का नाम है निकम्मा, पिक्चर है निकम्मी, कुछ दम नहीं है पिक्चर में सर। क्या कोई भी फील्ड में कुछ भी नयापन नहीं है, सब घिसप घिसी पिसी पिक्चर है, और रीमेक है ना MCA की। शिल्पा शेट्टी का काम कैसा लगा था? ठीक है, एवरेज है, बहुत टाइम के बाद आई है। म्यूजिक की फिल्म कैसी? खाली एक टाइटल सॉन्ग अच्छा है निकम्मा लास्ट में। अच्छा, कितने स्टार देंगे सर? 1 दूंगा, 5 में से 1। मूवी की बात की जाए तो ओवरऑल मूवी कैसी लगी आप? निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। सर शिल्पा शेट्टी 14 इयर्स के बाद कमबैक कर रही हैं, सिल्वर स्क्रीन पे कैसी लगी आपको? मैं तो मिस कर रहा था उन्हें, मैंने 10 में देखा था उनका एक्शन, वो गन लेके चल रही है, पीछे टैटू बना हुआ है, क्या स्लैश है। और यहाँ पे जब वो आती है ना, जब उनका एक्शन आता है, सीटी बजाने का मन कर गया। मसाला मूवी है यार, दिमाग मत लगाओ प्लीज। देखो फिल्म हमें हंसाती है, कुछ ऐसी हमें रुलाती है, वो मसाला मूवी है सीटी बजाने के लिए है, जाओ जाके बजाओ। ओवरऑल एक्शन की बात की जाए तो अभिमन्यु दसानी का एक्शन कैसा लगा? एक्शन बहुत अच्छा है, शब्बीर जी की जो डायरेक्टर है उनकी USP है एक्शन आई थिंक, तो
बाकी चीज़ों में ही विल इम्प्रूव इन दिस थर्ड फिल्म, लेकिन एक्शन में वो टॉप लेवल कराते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उड़ के मार रहे हैं। मतलब जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंटस के लिए गोल मारते हैं ना, बफून देखते रह जाते हैं, नेक्स्ट गोल के लिए अभिमन्यु का एक्शन देख लें वो, तो एक नई किक सीख लेंगे। ओवरऑल मूवी मत पूछो मेरे से, मैं कह रहा हूँ मसाला मूवी के फैंस को मजा आएगा, गाना देखो, सीटी बजाओ, नीतल जी ने स्टाइलिंग की है, किलर है शर्ली, जब भी स्क्रीन पे आती है खतरनाक लगती हैं, पूरे नेशन का क्रश है वो, उनकी पहली फिल्म है। शर्ली के फैंस मैं तुम्हें कसम दे रहा हूँ, जाओ जाके फिल्म में देखो उसे, और नहीं देखा तो अभिमन्यु जो विलेन है वो तुम्हारे सपने में आएगा। सर फिल्म को कितना स्टार देंगे? 5 नहीं दे सकता। जाओ देखो जाके। सर लास्ट क्वेश्चन सर, एक शिल्पा शेट्टी स्टाइल एंड वन फॉर शर्ली। शिल्पा शेट्टी इज आइकन फॉर स्टाइलिंग, शी कैन प्ले ऑफ एनी रोल, बी इट ए सुपर वुमेन ऑफ ए कैरेक्टर और ए माँ दुर्गा। एंड अभी मन्नू आपने किसी दूसरे का पूछा, शर्ली इज द अपकमिंग ब्लूम ऑफ, शी इज द, वो पूरे देश का क्रश ऐसे ही नहीं बन गए, उन्हें आता है और उन्हें सही टीम मिला है इसमें, तो शी इज किलिंग द स्क्रीन। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका रोल थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए था, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा गाना या फुटेज है तो प्लीज़ उसे डालिए, नेशन में आग लगने वाली है, शर्ली की मूवी आई है, देखो जाके।